Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, so my thank you for sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my exercise number 3.6 jo thi uske humne 6 questions kiye hain. Aaj hum question number 7 aur question number 8 karenge. Uske baad hamara jo ye subtraction ka chapter hai ye yahan pe khatam ho jayega. To pehle question ki taraf aate hain. Question number 7 hai, dear wire 5,427 bags of wheat in a godown. यानी एक godown की बात होते हैं. Godown उसको कहते हैं जहाँ पे हम चीजें जो होती हैं या अपना फसल जो होता है वो वहाँ पे महफूज जगह पे रखते हैं. तो एक godown में 5,427 bags थे. तो उसमें से अगर उन 5,427 में से 4,299 bags हम क्या करेंगे, shift करेंगे किसी और godown में ले जाएंगे, तो हमें बताना है इस पहले वाले godown में कितने bags रह गए. तो इसका बच्चों सॉल्यूशन आएगा. पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन ए गोडाउन. गोडाउन में कितने टोटल नंबर के बैग्स थे? 5,427. ठीक है बच्चों. उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ये कह रहे हैं अगर हम 4,299 बैग शिफ्ट करेंगे किसी और गोडाउन में, तो हम सीधा लिखेंगे नंबर ऑफ बैग शिफ्टेड. इतना ही लिखे नंबर ऑफ बैग शिफ्ट. कितने बैग को शिफ्ट किया गया है? 4,299. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे देखेंगे ये वनस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस. अब सिंपली यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें क्या निकाला है, हाउ मैनी बैग्स, कितने बैग्स अब वहाँ पे रह गए. सेवन में से हम नाइन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, ये इस टू से एक बारो करके 17 बन जाएगा. ये सेवन यहाँ पे नहीं रहेगा. तो 17 - 9 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 8 आएगा. यहाँ पे वन ही रह गया, वन में से नाइन ही, इसलिए ये इससे बारो करके 11 बन जाएगा. यहाँ पे 3 रह जाएगा. 11 - 9 दैट इज इक्वल टू, शाबाश बच्चों, 2. तो उसके बाद यहाँ पे 300 प्लेस पे रह गया. अब 3 में से 2 निकालो, वहां पे 1 आएगा. 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1. तो कितने बैग रह गए? 1,128. तो हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना है अब डियर 4 नंबर ऑफ bags left in a godown. तो कितने bags रह गए? 1,128. तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, a petrol tanker contained 7,005 liters of petrol, out of which 3,994 liters were supplied to a petrol pump. एक petrol tanker यानी जिसमें से petrol बाहर से यहाँ पे आता है, tanker में बहुत बड़ी गाड़ी होती है जिसके पीछे टैंकर बना, एक टिपर की तरह जिसके पीछे टैंकर बना होता है, उस टैंकर वाली गाड़ी में 7,005 liters ऑफ पेट्रोल जो है वो कोपरा के पेट्रोल स्टेशन पे आ गए. तो उसमें से उन्होंने आउट ऑफ विच 3,994 liters वायर सप्लाई टू है पेट्रोल पंप. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेट्रोल के कोपरा के पेट्रोल पंप पे 3,994 liters ऑफ पेट्रोल वहां पे छोड़ दिए, उनको भेज दिए. तो हमें बताना है टैंकर में कितने रह गए, टैंकर में कितना रह गया पेट्रोल. तो इसका सॉल्यूशन आएगा टोटल पेट्रोल इन ए टैंकर, टोटल पेट्रोल इन ए टैंकर इक्वल टू 7,005 L जो मैंने लिखा है ये लीटर्स, 7,005 liters. तो उसमें हमने क्या किया है, पेट्रोल हमने सप्लाई किया है, पेट्रोल सप्लाइड टू ए पेट्रोल पंप. पेट्रोल पंप को उन्होंने कितना पेट्रोल सप्लाई किया है? 3,994 liters. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ये 7,005 liters जो है उसमें से हम निकालेंगे जो हमने कोपरा के स्टेशन पे डाला है,
ये कितना आएगा, अब हमारे पास टोटल कितना बचा है, 5-4 दैट इज इक्वल टू 1, 0 में से 9 नहीं, इसमें ये इससे बार होकर था लेकिन ये खुद 0 है, ये इससे बार होकर ये 10 बन जाएगा और ये इससे बारो करके ये वाला 10 बन जाएगा, यहाँ पे 9 ही रहेगा। ये मैंने आपको क्लास में एक बार सिखाया है कि यहाँ पे ये बारो कैसे करते हैं और कौन सा नंबर कैसे यहाँ पे रहता है। फिर 5-4 दैट इज इक्वल टू 1, 10-9 दैट इज इक्वल टू 1, 9-9 इक्वल 0, 6-3 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर पेट्रोल remained petrol remained in the tanker is equals to 3011 liters। कितना इसको उसके पास बच गए 3011 liters, उसके पास पेट्रोल अब बाकी रहा उस। तो स्टूडेंट्स हमने ये दो क्वेश्चंस आज कंप्लीट किए। आप एक काम करोगे, मैं अपनी कॉपी पे लिखोगे और अपनी कॉपी कंप्लीट करोगे। और स्टूडेंट्स पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की, हर पेरेंट अपने बच्चे की कॉपी को चेक करेगा क्या उसने सब्ट्रैक्शन तक पूरे एक्सरसाइज 3.6 तक पूरी कॉपी बनाई है। तो पेरेंट एक काम करेगा, वो अपने हाथ से उस पर साइन करके हमें मेरे नंबर पर ये फोटो साइन करे लास्ट पेज पे। जो आज के दो क्वेश्चंस लिखे हैं पेरेंट्स ये चेक करेंगे कि उन्होंने बच्चों ने पूरा लिखा है, वो लास्ट पे अपने हाथों से साइन करके हमें मुझे उसी नंबर उसी पेज का फोटो सेंड करेंगे। और जो ये दो क्वेश्चंस हैं उनके फोटोज भी यही दो लास्ट पेज पे आएंगे, इनके भी क्वेश्चंस और साथ में पेरेंट्स इस पे लास्ट पे यहाँ पे लास्ट पे साइन करेंगे और साइन करके वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि बच्चों ने कॉपी सही तरीके से बनाई है या नहीं। और बच्चों से मेरी गुजारिश है कि वो एक काम करेंगे कि अब हमारा जो चैप्टर नया चैप्टर शुरू होने वाला है दैट इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को जो टेबल हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल वो याद होना चाहिए। तो बच्चों से गुजारिश है कि वो कल से आज से ही शुरू करें टेबल याद करनी है, टेबल को रिवाइज करने के लिए, तो उससे हमें आसानी होगी ये पढ़ने में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान।